चलिए आज भाई सालों, ये अपनी पेड क्लास है, ठीक है। ये अपनी जो एनटीपीसी का जो मॉक टेस्ट है ना, जो 299 वाला था, उसकी पेड क्लास है। और हमने हिस्ट्री के 10 मॉक टेस्ट कर लिए हैं और 10 के 10 मॉक टेस्ट का हमने वीडियो सॉल्यूशन कर लिया है, ठीक है। आज हम ज्योग्राफी के मॉक टेस्ट करेंगे, ठीक है, ज्योग्राफी के मॉक टेस्ट करेंगे। और ज्योग्राफी के हम आज 2 मॉक टेस्ट करने वाले हैं, ठीक है। हालांकि 2 मॉक टेस्ट में टाइम लाजमी सी बात है ज्यादा रहेगा, फिर भी प्रयास ये करूंगा कि 2 मॉक टेस्ट हो जाए तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। यहां आके वैसे बिल्कुल वैसे मत करना, सिर्फ मुद्दे की बात करेंगे और स्टार्ट करते हैं क्लास को। चलो, तो ज्योग्राफी के 2 मॉक टेस्ट मैंने दिया था। जो फर्स्ट मॉक टेस्ट था उसका एक क्वेश्चन ये था, माय डियर क्या हो गया, हेलो सर कैसे हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। यस सर, यूट्यूब पर लाइव चली गई क्या? यूट्यूब पर लाइव चली गई, ये पेड क्लास है, यूट्यूब लाइव चली क्या? अरे कैसे, ये पेड क्लास है बाबू, ये पेड ग्रुप वाली क्लास है, यूट्यूब पर लाइव चल गई तो फिर चलना तो क्या कर सकते हो, चल गई क्या? कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है वो इवेंट बनाते टाइम पे हो गया होगा, वो पब्लिक हो गया होगा वीडियो, कोई दिक्कत नहीं। यूट्यूब में चल रही तो चल, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यूट्यूब वाले बच्चे भी देख लेंगे कि हमारा मॉक टेस्ट का जो वीडियो सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, पहला क्वेश्चन लिखा है, क्लू चेवस्कारा ज्वालामुखी कहां पर है? वोल्केनो से है ये ज्वालामुखी, कहां पर है माय डियर? देखो, ये ज्वालामुखी जो है कहां पर है? इक्वाडोर में है। कहां पर है? इक्वाडोर में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इक्वाडोर में। और इसकी जो हाइट है लगभग 5900 मीटर से भी ज्यादा है। जो क्लू चेवस्कारा ज्वालामुखी है कहां पर है माय डियर? सॉरी, इसकी हाइट जो है वो 4700 मीटर से भी ज्यादा है, 4700 मीटर से भी ज्यादा है इसकी हाइट। किसकी? क्लू चेवस्काया ज्वालामुखी के। डन, क्लियर है। चलिए, ये इक्वाडोर में नहीं, ये रूस में है, ये रूस में है, रूस में, रसिया। तो इक्वाडोर में किसका बताने वाला था? इक्वाडोर में बताने वाला था आपको किसका? इक्वाडोर में बता रहा था माउंट कोटोपैक्सी का। जो माउंट कोटोपैक्सी है ये दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। माउंट कोटोपैक्सी जो है, कोटोपैक्सी ये दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी वोल्केनो है। और माउंट कोटोपैक्सी कहां पे है? इक्वाडोर में। और इसकी हाइट है 5700 मीटर से ज्यादा। और इसका आंसर है क्लूचेस्काया का आंसर हो जाएगा रसिया। ये जो क्लूचेस्काया ज्वालामुखी है कहां पर है? रसिया में। क्लियर है, यहां पर फिर से क्लियर कर देता हूं, गलती से गलत बता दिया था मैंने। जो माउंट कोटोपैक्सी, अगर यहां पर कोटोपैक्सी होता तो कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है और ये दुनिया का सबसे ऊंचा वोल्केनो है। इसकी हाइट है 5700 मीटर से भी ज्यादा, 5700 मीटर से भी ज्यादा। जबकि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्लूचेवस्काया वोल्केनो कहां पे है? ये आपका रसिया में है और इसकी हाइट 4700 मीटर से भी ज्यादा है। डन, क्लियर है। चलिए, अगर मान लीजिए वरेंगल होता, वरेंगल, वरेंगल, अगर वरेंगल माउंटेन होता, वरेंगल माउंटेन होता या कि फिर माओना लाओ होता, माओना लाओ, अगर वरेंगल होता या माउना लाओ होता क्वेश्चन में, तो इसका आंसर दोनों का हो जाता अमेरिका। डन, यहां पे 4 पॉइंट मैंने आपको बता दिया। पहला कि जो कोटोपैक्सी है वो इक्वाडोर में है, दुनिया का सबसे हाईएस्ट वोल्केनो है, 5700 मीटर हाइट है इसकी। दूसरा, जो क्लूचेवस्काया है ये रसिया में है, इसकी हाइट 4700 मीटर है। नंबर वन, नंबर टू, क्लियर, ठीक है। वरेंगल और जो आपका माउना लाओ है कहां पे? दोनों यूएसए में, अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपके सामने? इस वाले टेस्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो कैमरून ज्वालामुखी है इसकी ऊंचाई कितनी है? जो कैमरून वोल्केनो है इसकी ऊंचाई कितनी है माय डियर? जो कैमरून वोल्केनो है इसकी ऊंचाई है 4070 में और यह है कहां पर? यह आपका कैमरून में। डन, जो कैमरून वोल्केनो है यह कहां पर है माय डियर? कैमरून में है और इसकी जो हाइट है, ऊंचाई है 4070 है। डन, क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट आता है कौन सा? अगला क्वेश्चन था आपके सामने एटना ज्वालामुखी, एटना वोल्केनो, एटना ज्वालामुखी कहां पर है? एटना वोल्केनो कहां पर है? तो आपको मालूम है कि जो एटना वोल्केनो है ये इटली में है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, एटना कहां पे है? इटली में है। और ये नॉर्मल क्वेश्चन है, इसकी हाइट अगर पूछेगा मान लीजिए तो इसकी हाइट कितनी है? 3333 मीटर। डन, याद रहेगा, अगर एटना पूछता है कि एटना की हाइट कितनी है तो आप आंसर दोगे 3333 मीटर। डन, क्लियर। चलिए,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन है एटना ज्वालामुखी की ऊंचाई कितनी है। मैंने आपको बता दिया कि 333 याद कर लीजिएगा, 3333 याद कर लेना, यहां पर 33 कहीं लिखा है कहीं नहीं लिखा, इसके सबसे पास में कौन है, 3340 इसके सबसे पास में है, तो 3340 इसका सही आंसर हो जाएगा। डन है, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका क्या, मॉक टेस्ट का अगला क्वेश्चन था, इस्तांबोली ज्वालामुखी कहां पर स्थित है, जो इस्तांबोली वॉल्केनो है ये कहां पे है माय डियर, तो जो इस्तांबोली ज्वालामुखी है ये कहां आपका इटली में है, और इसकी जो हाइट है कितनी, सॉरी इसकी हाइट कितनी है, 930 कितनी है, 930 मीटर। डन, इस्तांबोली वॉल्केनो कहां पर है, इटली में है। डन है, चलिए अगर मान लीजिए होता सेंट हेलेना, ये सारे क्वेश्चन पूछेगा सेंट हेलेना कहां पर है, तो जो सेंट हेलेना है वो कहां पर है माय डियर, अमेरिका में। क्लियर है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछता सेंट हेलेना वॉल्केनो, सेंट हेलेना वॉल्केनो जो मुख्य कहां पर है, अमेरिका में है, क्वेश्चन एक दो बार तीन बार एग्जाम में पूछ चुका है। डन, क्लियर। चल नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, इस्तांबोली की ज्वालामुखी की ऊंचाई कितनी है, मैंने ही बता दिया आपको कितनी बताया मैंने आपको, 930 मैंने बताया है, क्वेश्चन देख लो कहीं पर आपका 930 ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा कोई दिक्कत नहीं, इसके आसपास का डाटा देखो, 925 सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था माय डियर आपका टेस्ट में, अगला क्वेश्चन था विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा प्लेट्यू कौन सा है, आंसर क्या हो जाएगा, दुनिया का जो सबसे ऊंचा प्लेट्यू है आंसर हो जाएगा तिब्बत का पठार, कौन सा हो जाएगा, तिब्बत का पठार कितना है माय डियर, 16,000 मीटर हाइट है इसकी, 16,000 मीटर। क्लियर है, कितना है, सॉरी 16,000 फीट हो गए, मीटर कहां से जाएगा, मीटर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 16,000 फीट जो तिब्बत का पठार है, ये दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है, सबसे ऊंचा प्लेटू है। डन है, क्लियर है। चलिए कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में छोटा नागपुर का पठार निम्न में से किस पठार के अंतर्गत आता है, इंडिया का जो छोटा नागपुर प्लेटू है माय डियर, ये किस टाइप का प्लेटू है, ये पर्वत पदीय प्लेटू है, मतलब माउंटेन के जस्ट पास, मान लीजिए माउंटेन खड़ा है तो इसके पाउंड के आसपास का प्लेटू है, या तटीय पठार है, तट में रहता है कोस्टल एरिया का प्लेटू है, या गुंबदाकार पठार है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो भारत का छोटा नागपुर का पठार है माय डियर, ये कैसा पठार है, जिस प्रकार से अमेरिका का ओजार्क प्लेटू है, अमेरिका में एक प्लेट्यू है जिसका नाम है ओजार्क, नाम सुना होगा आपने, क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि अमेरिका में एक प्लेट्यू है जिसका नाम क्या है आपका। सर ये क्लास यूट्यूब में क्यों चल रही है बेटा, बाय मिस्टेक चल रही है क्योंकि ये पेड ग्रुप है, पेड ग्रुप में जो हमारी क्लास होती है मॉक टेस्ट की वो वाली क्लास है, लेकिन बाय मिस्टेक हो सकता है हमारे एडिटर ने बनाते टाइम पे इसको पब्लिक कर दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं, यूट्यूब में चल रही है, कोई चल रही है, चल रही, सबको पढ़ने, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो तो ओजार्क प्लेट्यू कहां पर, अमेरिका में, तो इंडिया का छोटा नागपुर का प्लेट्यू और अमेरिका का जो ओजार्क प्लेट्यू है, ये दोनों कैसे हैं, गुंबदाकार पठार है। मैं जब पठार पढ़ाऊंगा ज्योग्राफी वाली क्लास में, तो ज्योग्राफी वाली क्लास में जब मैं आपको प्लेट्यू पढ़ाऊंगा तो वहां पर मैं बताऊंगा कि जो प्लेट्यू होते हैं, जो पठार होते हैं माय डियर, वो कैसे बनते हैं, जो ज्वालामुखी होते हैं कैसे बनते हैं, अभी पेड क्लास में मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, इंडिया का जो कोरोमंडल तट है निम्न में से किस पठार का एग्जाम्पल है, जो कोरोमंडल कोस्टल एरिया है ये किस टाइप का प्लेट्यू है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ही आंसर है, क्वेश्चन में ही आंसर है। देखो जो कोरोमंडल तट है, जो कोस्टल एरिया है कोरोमंडल, ये किस टाइप का प्लेट्यू है, पिछला क्वेश्चन देखो, पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा था, पिछले क्वेश्चन में पूछा था जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है कैसा पठार है, पर्वत पदीय मतलब जो पर्वत के पाउंड के आसपास का प्लेट्यू होता है, यह तटीय पठार जो कोस्टल एरिया वाला होता है, जो कोरोमंडल है कोस्टल एरिया, कोस्टल एरिया क्या होता है, मान लीजिएगा ये इंडिया है तो कोस्टल एरिया मतलब भारत की बाउंड्री वाला एरिया जो पानी से जुड़ा हुआ है, जैसे ये एरिया, ऐसा एरिया जो पानी वाले एरिया से जुड़ा हुआ है, बंगाल की खाड़ी से हो या अरब सागर से, इसे कोस्टल एरिया कहा जाता है, तटीय क्षेत्र कहा जाता है। तो जो अपना ये वाला प्लेट्यू है कोरोमंडल, ये कैसा है, तटीय पठार है, मतलब कोस्टल प्लेट्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार है, जो पृथ्वी है उसके कितने प्रतिशत भाग पर माय डियर पर्वतों का विस्तार है, धरातल में लगभग 27% पूरी पृथ्वी को अगर देखा जाए तो पूरी पृथ्वी में लगभग 27% बेटा एक क्वेश्चन हो गया ना कि सर यूट्यूब पे क्लास चल रही, यूट्यूब पे क्लास चल रही, यूट्यूब पे चल रही, चल रही दोनों, कोई दिक्कत नहीं, देखेंगे बच्चों को, चल रही क्या करोगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए
तो जो धरातल है, जमीन है, इसके लगभग 20% एरिया में माय डियर क्या है, पर्वतों का विस्तार है। नेक्स्ट, दुनिया की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी माउंटेन रेंज हाइट लेंथ के हिसाब से कौन सी है। देखो, साउथ अमेरिका में, जो दक्षिण अमेरिका है, वहां पर एक पर्वत है जिसका नाम है एंडीज। क्या नाम है? एंडीज। क्या नाम है माय डियर? एंडीज नाम है। और ये जो एंडीज है, ये साउथ अमेरिका में है, ये दुनिया में सबसे लंबी क्या है, पर्वतमाला है, माउंटेन रेंज है। वैसे ही नॉर्थ अमेरिका में भी एक माउंटेन है जिसका नाम है रॉकी। क्या नाम है? रॉकी। डन, ये दोनों क्यों बता रहा हूं साथ में, एक और नाम बताता हूं यहां पर। इंडिया में एक पर्वत है जिसका नाम है हिमालय। अमित, क्यों तीन नाम लिखा मैंने, इस कारण से लिखा मैंने, ये तीनों के तीनों जो माउंटेन है माय डियर, तीनों के तीनों माउंटेन कैसे हैं, न्यू फोल्डेड माउंटेन है। कैसे हैं? न्यू फोल्डेड माउंटेन, नवीन वलित पर्वत। कैसे हैं? नवीन वलित पर्वत है। नवीन वलित पर्वत जो अभी बने हैं दो प्लेटों के आपस में टकराने से, पेड़ क्लास में पढ़ाया था, यूट्यूब भी करा चुका दो बार में। तो नवीन वलित पर्वत होते हैं जो अभी नवीन है, वलित मतलब फोल्डेड, फोल्ड होके बना है। तो रॉकी हो गया, एंडीज हो गया, हिमालय हो गया, तीनों के तीनों नवीन वलित पर्वत है। क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, बोलेगा रॉकी पर्वत कैसा माउंटेन है, तो आपको याद होना चाहिए कि नवीन वलित पर्वत है, एक तो याद रखना। दूसरा, जो नॉर्थ अमेरिका में कौन सा माउंटेन है, रॉकी, साउथ अमेरिका में एंडीज, और आपका हिमालय कहां पे, इंडिया में। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा दुनिया के सबसे लंबी माउंटेन कौन सी है, आंसर इज एंडीज माउंटेन। एंडीज दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंडीज पर्वत श्रृंखला कहां पर स्थित है, मैंने बता दिया, दोबारा बताने की जरूरत है नहीं, ऑलरेडी क्वेश्चन का आंसर दे चुका हूं, साउथ अमेरिका सही आंसर इसका। नेक्स्ट, सहारा का मैदान कहां स्थित है, जो सहारा का मैदान है माइडियर, ये कहां पर स्थित है। ऑप्शन, फ्रांस, अफ्रीका, साउथ अमेरिका और यूरोप। तो सहारा का जो मैदान है कहां पर है आपका, अफ्रीका में। अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है, जो अफ्रीका महाद्वीप है, वहां पर सहारा का मैदान, सहारा का मैदान है माइडियर। अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं आपका फ्रांस की, तो फ्रांस में बिल्कुल सिंपल है, फ्रांस का मैदान, फ्रांस का मैदान, ठीक है। जो फ्रांस का प्लेन है वो फ्रांस में फेमस है, बहुत फेमस है। अगर साउथ अमेरिका की बात करते हो तो साउथ अमेरिका में एक मैदान है जिसे अमेजन का मैदान कहा जाता है। साउथ अमेरिका में एक नदी भी रहती है अमेजन नाम की, और मैदान भी है, एक अमेजन नाम का मैदान भी है। डन है, क्लियर है। और अगर यूरोप की बात करते हैं तो यूरोप में एक मैदान है जिसको हम यूरोप के मैदान के नाम से ही जानते हैं, क्लियर है। तो क्वेश्चन पूछा था सहारा का मैदान कहां पे है, अफ्रीका महाद्वीप में है। एक दूसरा, अफ्रीका, फ्रांस में कौन सा मैदान है, फ्रांस का। साउथ अमेरिका में अमेजन का मैदान है, ठीक है, और यूरोप में यूरोप का मैदान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, पंपास का मैदान कहां पर है, हा? जो पंपास का मैदान है माय डियर वो कहां पर है, तो जो पंपास का मैदान है वो आपका कहां पर है, अर्जेंटीना। कहां पर है? अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। तो अगर अर्जेंटीना क्वेश्चन में नहीं है तो आपको मालूम है कि जो अर्जेंटीना है वो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। तो जो सहारा पंपास है कहां पर है माय डियर, अर्जेंटीना में है। फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछता है। अगर मान लीजिए होता क्या होता, मान लीजिए लानोस, जो लानोस का मैदान, घास के मैदान होते हैं लानोस, अगर लानोस होता तो इसका आंसर क्या हो जाता, वेनेजुएला। क्या हो जाता माय डियर, वेनेजुएला। डन, लानोस का आंसर क्या हो जाता, वेनेजुएला हो जाता। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। डन है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नील नदी का मैदान कहां पर स्थित है, जो नील नदी का मैदान है ये कहां पर स्थित है। बिल्कुल सिंपल है, आपको मालूम है जो नील नदी है इसको इंग्लिश वाले बच्चे क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश वाले बच्चे नाइल बोलते हैं, नाइल है ना। और नील नदी कहां से निकलती है, ये अफ्रीका महाद्वीप से निकलती है। कहां से? अफ्रीका महाद्वीप से। अफ्रीका महाद्वीप में एक जगह है जिसका नाम है इजिप्ट। जो इजिप्ट है उसको हिंदी में कहा जाता है मिस्र। क्या बोलते हैं? मिस्र। डन, तो जो नील नदी का मैदान है कहां पर है आपका, अफ्रीका महाद्वीप में है। और अफ्रीका महाद्वीप में अगर देश का नाम पूछता है, कंट्री का नाम पूछता है, तो आप बोलोगे कौन सा कंट्री है, इजिप्ट, मतलब मिस्र इसका सही आंसर है। क्वेश्चन पूछा है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, याद रहेगा, अच्छा रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र का मैदान निम्न में से कहां पर स्थित है, जो ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है माय डियर कहां पर स्थित है। वैसे कई लोग हो सकता है इसका आंसर आपका क्या कर देंगे, इसका आंसर, हालांकि ऑप्शन में दिया नहीं है, कई लोग इसका आंसर क्या कर सकते हैं आपका, तिब्बत कर सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है जो ब्रह्मपुत्र है कहां से निकलती है,
तिब्बत से, लेकिन बिल्कुल गलत बात, ब्रह्मपुत्र का मैदान तिब्बत में नहीं है, ब्रह्मपुत्र का मैदान जो है वो इंडिया और बांग्लादेश में है। क्लियर है? कहां पर है? इंडिया और बांग्लादेश में है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहारा डेजर्ट कहां स्थित है? फेमस क्वेश्चन है, कई हजारों बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। जो सहारा डेजर्ट है ये कहां पे है, इसका क्वेश्चन का बिल्कुल इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। क्यों? कई बच्चे बोलेंगे सर अफ्रीका लिखा है यहां पे, ना यहां पर दक्षिण अफ्रीका लिखा है। और जो सहारा का डेजर्ट है माय डियर, अगर ये अफ्रीका महाद्वीप का मैप है तो सहारा का डेजर्ट यहां पर है। अगर यहां पर सिर्फ अफ्रीका होता तो सही आंसर था, अगर यहां पर सिर्फ अफ्रीका होता तो बिल्कुल सही आंसर था, लेकिन यहां पर दक्षिण अफ्रीका है। और आपको मालूम है दक्षिण अफ्रीका जो है ये अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है, क्या है? एक कंट्री है। यहां पर दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका लिखा है, बिल्कुल आंसर गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। टेल, तो सहारा का डेजर्ट कहां पे है? सहारा का डेजर्ट जो है ये आपका कहां पे है? अफ्रीका महाद्वीप में है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट अफ्रीका महाद्वीप में कहां पर है? नॉर्थ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, अफ्रीका महाद्वीप के जो उत्तर वाला एरिया है वहां पर सहारा का डेजर्ट है। क्लियर है? याद रहेगा, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, चलिए उसके बाद में ये कितने एरिया में फैला है माय डियर? तो इतने एरिया में फैला है, काउंट करके बताओ जल्दी से कितना होता है। ये लो, मैंने कैसे याद किया है? मैंने याद किया है 84 और उसके बाद 500 0000 कितना है? वर्ग माइल, स्क्वायर माइल होता है। अब इसको आप देख लो भाई साहब कितना होता है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख 84 लाख स्क्वायर माइल 84 लाख स्क्वायर माइल एरिया में ये फैला हुआ है सहारा का डेजर्ट। नेक्स्ट, सहारा का डेजर्ट का एरिया कितना है? बिल्कुल सिंपल, अभी मैंने बता दिया, बताने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल है बहुत। मैंने कैसे याद किया है? मैंने याद किया कि 4 और 4 दुनी 8 उसके बाद 5 जीरो लगा दो, खत्म बात, डन है, क्लियर है? ठीक है, या और 5 जीरो एक देखो याद करने का तरीका होता है, याद करने का तरीका कैसे होता है कि देखो कैसे होता है, हमारे यहां पर एक शायरी होती है, जब भी कोई सिंगर या जैसे हम लोग रामलीला में काम करते, हम जो छोटे छोटे थे ना, तो हमारे यहां पर हम लोग ना रामलीला में काम करते थे, हमारे मोहल्ले का रामलीला हुआ करता था और हम लोग दुर्गा जी के टाइम पर रामलीला में काम करते थे। तो वहां पर जब कोई पाठ होता था या डांसर डांस करता था तो वहां पर एक शायरी बोला करता था कि क्या था, सदा भवानी दाहनी सन्मुख रहे गणेश, पांच देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। तब बोलो सर पांच देव कहां से? वो तो तीन है, पांच में ब्रह्मा जी के दो सिर को अलग से काउंट करते हैं, पांच देव, तो पांच देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश, मतलब आपको कितनों का सहारा है? आपको पांच देवताओं का सहारा है, ऐसे याद करना है। मैंने ऐसे याद किया है, अब आप कैसे याद करते हो मुझे नहीं पता। कितने देवताओं का सहारा है? पांच देवताओं का सहारा, तो 5 जीरो मैंने यहां पर लगा दिए, बहुत ही घटिया तरीके से मैंने याद किया है, मुझे मालूम है, लेकिन कोई बात नहीं, याद किया इतना काफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट कहां पर है? जो ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट है माय डियर, ये कहां पे है? ये ऑस्ट्रेलिया में है। देखो जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है ना बाबू, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, मान लीजिए ऐसा कुछ ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, ऐसा कुछ है, तो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में यहां पर तीन बड़े बड़े डेजर्ट है ना, तीन बड़े बड़े डेजर्ट है। याद करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, मेरा नाम है गोलू शुक्ला, क्या नाम है? गोलू शुक्ला, कहां का हूं? एक मेरा गांव है, मेरा जो गांव है उसका नाम है गौरहा, जी से स्टार्ट होता है और वी फॉर वाले, मैंने ऐसा किया है, तो गोलू शुक्ला मेरा नाम है, गांव का नाम जी से स्टार्ट होता है, तो गौरहा, वी मतलब वाले होता ना, ये फलाने वाले है, जैसे पूना वाला चूना वाला महाराष्ट्र में होते हैं, तो जी एस मतलब हो जाएगा ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ये हो गया ग्रेट सैंडी डेजर्ट, दूसरा जी मतलब हो जाएगा ग्रेट गिब्सन डेजर्ट, और तीसरा वी मतलब विक्टोरिया। तो ग्रेट सैंडी, अगर यहां पर ग्रेट विक्टोरिया की जगह पर ग्रेट सैंडी होता या गिब्सन होता तो तीनों के तीनों जो डेजर्ट है कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में। सर आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हूं, थोड़ा सा साइकोलॉजिकली फिट नहीं था मैं, इस कारण से बिल्कुल क्लास नहीं ले पाया। आज सुबह से बहुत अजीब लग रहा था, बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था, बहुत ज्यादा, मतलब कई बार होता है जिंदगी में ना कि आप, ये पता कब हुआ है, ये मेरे साथ लास्ट टाइम हुआ था कब, ये मेरे साथ लास्ट टाइम हुआ था 7 अक्टूबर को याद होगा, पिछली बार 7 अक्टूबर को मैं याद है चलती चलती क्लास बंद कर दी थी मैंने, उसके बाद में एक दिन मैंने बिल्कुल क्लास नहीं ली थी, क्या 2 दिन मैंने क्लास नहीं ली थी। कई बार आप ऐसा होता है जिंदगी में, अजीब लगता है, कुछ करने का मन नहीं करता, बिल्कुल अजीब लगता है, ब्लैंक हो जाता है दिमाग,
अभी सुबह से मैंने एक भी क्लास नहीं ली थी, फिर मुझे पूरा अजीब सा लग रहा था, अजीब हो रहा था। फिर मैं बोला यार ऐसा कोई काम करूँ जिससे मुझे खुशी मिले, तो मैं क्या करूँ, चाय पी ली, मुझे घूमना पसंद नहीं है, ठीक है क्या करूँ, तो अजीब सा। फिर मैंने एक काम करते हैं, मुझे खुशी है कि जिससे मिलती है क्लास लेता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, चलो क्लास लेते हैं, अगर जितना पढ़ाऊंगा पढ़ा पाऊंगा, पढ़ाऊंगा पढ़ाऊंगा, नहीं पढ़ाऊंगा तो बंद कर दूंगा क्लास को, चलो क्लास लेते हैं। तो इस कारण से मैंने क्लास लिया। अजीब लग रहा, सुबह से बहुत अजीब लग रहा था। कई बार होता है ना आपका माइंड ब्लैंक हो जाता है, कुछ करने का मन नहीं करता, एक स्टेज ऐसी आती है हर इंसान के साथ होता है, इसी को कई लोग इंग्लिश में डिप्रेशन बोलते हैं या होती ही चीज़ें, सब सबके साथ होता है, कई बार होता है बिल्कुल दिमाग काम करना बंद कर देगा। तो आज मेरे साथ हुआ था सुबह से, चल कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। ये हो गया ग्रेट सैंडी डिजर्ट, ये हो गया गिब्सन और ये हो गया विक्टोरिया। तीनों के तीनों कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा एक और चीज, अगर ये तीनों क्वेश्चन में ऑस्ट्रेलिया तो पूछ लिया, मान लो अगर ऑस्ट्रेलिया में ये पूछ लिया मारियर आपसे कि ये किस ऑस्ट्रेलिया में है, ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया, तो आंसर क्या दोगे, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। ऐसे क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, ध्यान रखना इस बात का। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिब्सन डेजर्ट का क्षेत्रफल कितना है, इतना क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन देना चाहिए था, मुझे लगता है शायद इस ना करेंगे तो ही अच्छा है, इतना डीप में नहीं पूछता, गिब्सन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसको पूछा जाए, फिर भी याद रहेगा गिब्सन का कितना है आपका, 1,20,000 स्क्वायर है, डन क्लियर है, मुझे लगता है क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिब्सन डेजर्ट कहां पर स्थित है, मैंने एक साथ ही बता दिया, ग्रेट सैंडी, गिब्सन और विक्टोरिया, तीनों के तीनों कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया में है, डन। चलिए एक और डेजर्ट है माय डियर, कालाहारी डेजर्ट, कालाहारी जो कालाहारी डेजर्ट है ये कहां पे है माय डियर, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है, अफ्रीका महाद्वीप में है, और अफ्रीका महाद्वीप में एक जगह है जिसका नाम है विक्टोरिया, क्या है विक्टोरिया कहां से, कुछ भी, बोत्सवाना। तो जो कालाहारी डेजर्ट है ये कहां पे है, ये बोत्सवाना में है, बोत्सवाना एक कंट्री है जो कि अफ्रीका महाद्वीप पे है, याद रखना क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है वाला, डन क्लियर है। चलिए उसके बाद में एक और एग्जांपल पूछ लेता है आपसे, कौन सा एक और एग्जांपल पूछ लेगा, मान लीजिए फॉर एग्जांपल थार डेजर्ट, थार जो थार का मरुस्थल है ये इंडिया और पाकिस्तान में है, कहां पर है, इंडिया और पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओह सॉरी आ गया, मैंने बताया था आ गया, थार डेजर्ट कहां पर है, इंडिया और पाकिस्तान में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, चिहू आहू आन जो डेजर्ट है इसका क्षेत्रफल कितना है, चिहू आहू हुआन जो है, पहले ये जान लो कि एक डेजर्ट है ना, मरुस्थल है, हो सकता है कि आप बोलोगे कि नहीं ये एरिया कहां पर, पहले तो कई लोग ये बोलेंगे कि ये डेजर्ट है, हमने पहली बार सुना, हाँ ये मरुस्थल है, चिहू आहू आन एक मरुस्थल है, ये कहां पर है, मेक्सिको में है, कहां पे माय डियर, मेक्सिको में, डन क्लियर है, मेक्सिको में। इसका एरिया कितना है कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पढ़ना बेवजह की चीज नहीं पढ़ना, अपने पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना जो काम का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चिहू आहू आन कहां पे है ये क्वेश्चन पढ़ना है, कहां पर, मेक्सिको में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे झीलों का देश कहा जाता है, कौन सी कंट्री है जिसे लैंड ऑफ लेक्स या झीलों का देश कहा जाता है, इसको बोलते हैं मारिया फिनलैंड को, जो फिनलैंड है इसे झीलों का देश कहा जाता है, ठीक है, जो फिनलैंड है मारिया इसे झीलों का देश कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है। अगर मान लिया आपसे पूछे कि ग्रेट डेजर्ट कौन से हैं, सॉरी ग्रेट लेक्स, ऐसा एक बार क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में, मैंने देखा था कि ग्रेट लेक्स कौन सी है मारिया, तो ग्रेट लेक कौन सी है अगर आपसे पूछे, याद करने का तरीका है HOMES, होम्स, होम होता है होम, उसमें एस लगा दीजिएगा, होम्स मतलब क्या हो जाएगा, एच मतलब ह्यूरन, ओ मतलब ओंटारियो, एम मतलब मिशिगन, ई मतलब इरी और एस मतलब सुपीरियर, ये पांच लेक हैं, पांच झील हैं, कौन कौन सी हो गई, HOMES, होम्स, ह्यूरन, ओंटारियो, मिशिगन, इरी और सुपीरियर, ये पांच लेक्स हैं, ये पांचों लेक को ग्रेट लेक्स कहा जाता है, क्या बोलते हैं, ग्रेट, एक ही क्वेश्चन को पॉइंट को बार बार टाइप मत करो बेटा, बेवजह एडिटर बाहर बैठा है ब्लॉक कर देगा, फिर रोते बैठे रहोगे, एक ब्लॉक हो जाओगे फिर रोते बैठे रहोगे। चलो तो किसे झीलों का देश बोलते हैं, फिनलैंड को, और ग्रेट लेक की बात करता तो याद रहेगा ग्रेट लेक जो है उसमें सुपीरियर इसका, होम्स इसका सही आंसर होगा।
निम्न में से कौन विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? बताइए। देखिए, मीठे पानी की सबसे बड़ी जो झील है उसका नाम है सुपीरियर। मीठा पानी मतलब ऐसा पानी होगा जो आप लोगे और उसमें चाय पत्ती डालना, शक्कर मत डालना, ऑलरेडी मीठा है, और उसको रख देना, चाय बन जाएगी, बन गई चाय। ना, ऐसा नहीं है। मीठा पानी मतलब मीठा नहीं, जो हम नॉर्मल पानी पीते हैं उसको मीठा पानी कहा जाता है, जनरल पानी कहा जाता है। तो सुपीरियर जो है ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। डन। सुपीरियर लेक जो है ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ये कहां पर है? बहुत लोगों को लगता है कि ये यूएसए में है। कहां पर है? यूएसए में है ना। संज्ञा गए परदेश, लगे ना मेरा मन उनके बिना। ठीक है, उसके भी बिना क्या मरना क्या जीना। ठीक है, तो विश्व की सबसे बड़ी झील मानी जाती है मीठे पानी की, मीठे पानी की, मीठे पानी की सुपीरियर। ये कहां पर है? यूएसए और कनाडा में। ध्यान रखना एक बात का। डन है, क्लियर। चलिए, और मान लो अगर आपसे पूछ ले कि एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी लेक कौन सी है, लार्जेस्ट लेक, तो आंसर हो जाएगा कैस्पियन सागर। कौन सी है जी? कैस्पियन सागर। जो कैस्पियन सागर है इसको लेक लेक माना जाता है। डन। चलिए नेक्स्ट, हवा का दाब या वायु दाब मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? जो हवा का दाब या जो वायु दाब होता है उसको मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? माय डियर, बैरोमीटर का। किसका? बैरोमीटर का। फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है। जो बैरोमीटर होता है इसका इस्तेमाल करते हैं हवा का दाब और आपका वायुमंडलीय दाब नापने के लिए। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। ठीक है, देन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? कितने महासागर हैं पृथ्वी पर? ऑप्शन क्या क्या है? पहला ऑप्शन है आपका 4, 3, 5 और इनमें से कोई नहीं। देखिए, कितने महासागर भाई सब याद करो। मान लो अगर ये वर्ल्ड का मैप आपने बनाया, रफ बना लो, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये अफ्रीका है, ये यूरोप वगैरह है, ये इंडिया है, ऐसा कर करके, और ये ऑस्ट्रेलिया है। तो पहला तो हो गया कौन सा? पहला महासागर हो गया ये। कौन सा? ये। इसका नाम क्या है? अटलांटिक महासागर। दूसरा हो गया ये। कौन सा? प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। प्रशांत बात आर कश्यप, सुन लिया मैंने अपनी आपकी बात, मैंने आपकी बात पढ़ ली है बाबू, पढ़ लिए। कहे कि मैं सिर्फ टाइप कर रहा हूं, इतना मेहनत मत करो, आंसर दो। तो एक हो गया क्या आपका? अटलांटिक महासागर एक, दूसरा हो गया कौन सा आपका? प्रशांत महासागर दो, तीसरा ये है जो ये एरिया, इसको बोलते हैं हिंद महासागर, इंडियन ओशियन। तीसरा हो गया इंडियन ओशियन, चौथा हो गया आर्कटिक, और पांचवा अंटार्कटिक। तो टोटल कितने हैं? 5। डन, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लो, विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है माय डियर प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। इंग्लिश में बोलते हैं पैसिफिक ओशियन, हिंदी में बोलते हैं प्रशांत महासागर। सर नॉइस आ रहा है बहुत, इमरान अंसारी। हाँ आ रहा ना, आ रहा है। गर्मी लगी बहुत ज्यादा, देख रहे हो पसीना आ रहा है। पंखा थोड़ा, पंखा मैं 2 की स्पीड में चलाया हूं ताकि हल्की हल्की हवा आती रहे। अगर पंखा बंद कर दूंगा तो यकीन मानो टी शर्ट गीला हो जाएगा मेरा। वैसे भी गर्मी इतनी कि मेरा टी शर्ट ऑलरेडी गीला हो चुका है, आप देख सकते हो ना। चलिए, तो इसके थोड़ी आवाज चल जाता है, थोड़ा आप मैनेज कर लो, थोड़ा हम कहाँ चक्कर में पड़ रहे हैं। अपन प्रोफेशनल नहीं है ना, अपन प्रोफेशनल थोड़ी ना कि 4 AC लगी हैं, 5 एडिटर बैठे हैं कोट सूट टाई पहन के। इतना पैसा नहीं रहेगा, इतना कोट सूट इतना खर्च करूंगा उतने में घर में 1 महीने का किराया ले आऊंगा, किराना ले आऊंगा। तो जो पैसिफिक ओशियन है इसका सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है कि दुनिया का सबसे बड़ा और दूसरा सबसे गहरा महासागर है। नेक्स्ट पोस्ट पूछेगा कि जो प्रशांत महासागर है ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के किस डायरेक्शन में है। तो जो प्रशांत महासागर है ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ, एडमिशन कैसे ले बता दूंगा बाबू, आज वीडियो कर दूंगा यार, सॉरी यार मैं वीडियो करने को बोलता हूं। एक काम करो, अभी कितना बजे? 9:30। आज मैं रोहित सुनना, मैं वीडियो करता हूं, आज करता हूं वीडियो, ठीक है, आज कर ही देता हूं, सुनना 10:15 का इवेंट बना दो है ना, कि एनटीपीसी कोर्स और मॉक टेस्ट का वीडियो कैसे खरीदना है,
10 बज के 15 मिनट का इवेंट। बहुत बच्चे बोल रहे लेने के लिए, तो उनको पता नहीं कैसे लेना है, और जो अपन ऑफर बनाए थे ना बच्चों को, हाँ वो बना दो। बस इतना लिख देना NTPC वीडियो कोर्स, वीडियो साथ में प्लस मॉक टेस्ट, कैसे ले जाने सारी जानकारी करके ऐसा कर दो, ठीक है 10-15 में कर दो, बना दो इवेंट। चलिए, तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर हो गया ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के पश्चिम में है। कहां पर है? वेस्ट में। कहां पर आइडिया? पश्चिम में है। डन। चलो अगला, प्रशांत महासागर जो है इसका क्षेत्रफल कितना है? बड़ा फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आ चुका है, ठीक है। डन। चलिए, कितना है आइडिया? ये आपका वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर कितना है? 16572370 स्क्वायर किलोमीटर। देखो मोबाइल नंबर याद हो जाता है ना, मोबाइल नंबर अगर उसका मोबाइल नंबर हो, कभी अगर उसका मोबाइल नंबर याद करना हो कितनी जल्दी याद होता है, देखा है? बिल्कुल, एक पलक झपकते चटाक 9893 करके तुरंत याद है मेरे को भी। चलो, तो याद हो जाता है, इस कारण से याद कर लेना मोबाइल नंबर, जैसे ऐसा समझ जाना कि उसका मोबाइल नंबर है। नेक्स्ट, अटलांटिक महासागर की गहराई कितनी है? है ना, इतना भी गहरा होगा लेकिन मेरे दिल के दर्द बराबर गहरा नहीं होगा, फिर भी याद कर लो अटलांटिक महासागर गहरा नहीं, मत याद करो यार, नहीं इंपॉर्टेंट था, मुझे नहीं लगता इतना इंपॉर्टेंट है, मत याद करो प्लीज, रहने दो, छोड़ो इसको, रहने दो इसको, रहने दो ना, मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है अटलांटिक ओशियन की गहराई याद करने की जरूरत नहीं है, बस इसके बारे में याद कर लो, नहीं इंपॉर्टेंट है ना, मत याद करो, बेवजह ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं, फालतू चीज याद करना। सर आप तो दो पैसे का नहीं पढ़ाते हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अबे झोपड़ी के तो फिर आया कहे को यहाँ पे, जब एक दो पैसे का नहीं पढ़ाता तो है? ये सोच बेटा कि तू हमको टीचर्स को यूट्यूब में गाली दे के दो दो पैसा कमा के कम से कम तेरा घर तो चल रहा है बच्चे, है तो मतलब मेरे को ऐसे लोगों पर तरस आती है कि बेचारों के पास कितना समय है, जब तेरे कुछ समझ नहीं आ रहा तो आया क्यों है, क्यों क्यों आया भाई, बता। मैं क्या इन्विटेशन दिया था कि तुम मेरे चाचू की शादी में जलूर से जलूर आना, मैंने दिया था क्या? क्यों आया है माता, हद है यार, मैंने इन्विटेशन थोड़ी दिया था। चलो, अटलांटिक महासागर की जो गहराई है नहीं याद करना, अटलांटिक महासागर के बारे में एक चीज याद कर लो, ये जो महासागर है नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के ईस्ट में है, पूर्व में है, और अफ्रीका और यूरोप के वेस्ट में है, याद रहेगा, डन है, क्लियर। फिर से, ये जो अटलांटिक ओशियन है ये नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के ईस्ट में है और अफ्रीका और यूरोप के वेस्ट में है, याद रखना ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लो, हिंद महासागर गहराई, फिर से गहराई, क्या करोगे गहराई जान के जानमन, इतनी गहराई क्यों पूछते हो? हिंद महासागर गहराई मीटर में कितनी है? जो इंडियन ओशियन है इसकी गहराई जो है मीटर में कितनी है? नहीं याद करना यार, बेवजह क्वेश्चन, बकवास क्वेश्चन, हटाओ हटा दो इसको, बकवास क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इतना नहीं याद करना, हिंद महासागर की जो गहराई है वो फीट में कितनी है? नहीं याद करना, बकवास क्वेश्चन है, इतना भी नहीं करना भाई, याद कर, जीके करना है, PhD थोड़ी ना करना हमको। अगला, बेरिंग, अबे साला बेरिंग, फिर गहराई, हटाओ इसको। नेक्स्ट, कैरिबियन सागर का क्षेत्रफल, हटा दो इसको, नहीं ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्यों, इसका रीजन बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका रीजन बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट इस कारण से है क्योंकि जो कैरिबियन सागर है माइडियर, ये दुनिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्या है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा लेक है, इसको दुनिया की सबसे बड़ी लेक माना जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। कैरिबियन सागर का जो एरिया है वो कितना है ये आपको मालूम होना चाहिए। चलिए, तो बताइए भाई, कैरिबियन सागर जो है इसका लेक एरिया कितना है? 25,15,900। डन, ये इंपॉर्टेंट है। कैरिबियन सागर आपको मालूम है कि ये जो है ये आपका वर्ल्ड का दुनिया की सबसे बड़ी लेक है, दुनिया की सबसे बड़ी झील है, इस कारण से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे यार, हडसन की खाड़ी की क्षेत्रफल कितना है? हडसन का जो खाड़ी है इसका क्षेत्रफल कितना है? 730100 कितना है? 730100 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट, काला सागर का क्षेत्रफल कितना है? जो काला सागर है, जो ब्लैक ओशियन है, इसका एरिया कितना है? जो ब्लैक ओशियन है इंपॉर्टेंट है, इसका एरिया कितना है आपका? इसका एरिया है आपका 507900, इतना एरिया है ब्लैक ओशियन, जिसका इंपॉर्टेंट होगा बताता चलूंगा, जो बेवजह का है उसको बताने की जरूरत नहीं है। डन, जो फालतू का होगा उसको बताने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि ज्वारभाटा की उत्पत्ति का कारण क्या होता है? देखिए, जो ज्वारभाटा होता है, जो टाइड और टाइड्स होते हैं, ये जो उत्पत्ति होती है ज्वारभाटों की, इनका उत्पत्ति का रीजन क्या होता है हमारी यार? इनकी उत्पत्ति का रीजन होता है चंद्रमा, सूर्य और जो गुरुत्वाकर्षण बल है,
इनके बीच का जो पावर होता है, जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, वो आपका ज्वारभाटे की उत्पत्ति का रीजन होता है। मैं एक वीडियो करूंगा ज्वारभाटे का अलग से, एक अलग से वीडियो करूंगा, उसमें ये बताऊंगा कि ज्वारभाटे आते कैसे हैं, इसका रीजन क्या होता है, इसके बारे में मैंने एक वीडियो किया था, अगर आपको याद होगा तो। मैंने एक बार एक वीडियो किया था कि ज्वारभाटों से इंपॉर्टेंट 20 लाइंस मैंने कराया था, यही क्वेश्चन हमेशा ज्वारभाटों से एग्जाम में आता है, अगर आपको याद होगा तो मैंने वीडियो किया था, नहीं किया था मैंने 100% किया था, आपने नहीं देखा हो तो इसका एक अलग से वीडियो कर दूंगा। डन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। महासागरीय धाराएं कितने प्रकार की होती हैं, जो महासागरीय धाराएं हैं कितने प्रकार की होती हैं, ये दो प्रकार की होती हैं। जो ओशियन करंट्स होती हैं ये एक होती हैं आपकी कोल्ड करंट्स और एक होती हैं वार्म करंट्स। डन, ठंडी जल धाराएं और गर्म जल धाराएं, जो महासागरीय जल धाराएं हैं जो कितने टाइप की होती है माय डियर, ये आपका दो टाइप की होती है, एक आपका कोल्ड मतलब ठंडी जल धाराएं और एक गर्म मतलब वार्म जल धाराएं, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट, विश्व की सबसे लंबी नदी निम्न से कौन सी है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है माय डियर, कांगो, अमेजॉन, नाइल और मेकांग। देखिए जो नील नदी है ये कहां से निकलती है, ये विक्टोरिया लेक से निकलती है, जो नाइल नदी है ये विक्टोरिया झील से निकलती है, विक्टोरिया मुझे कभी नहीं भूलेगा है, विक्टोरिया शब्द मुझे कभी नहीं भूल सकता, क्यों भाई साहब, क्योंकि आपको मालूम है कि विक्टोरिया लेक जो है, जो विक्टोरिया झील है, ये विक्टोरिया हॉस्पिटल है, यहीं कराने गया था मैं अपना कोरोना का टेस्ट, कभी भूलेगा है। तो जो विक्टोरिया झील है अफ्रीका में, वहां से निकलती है नाइल नदी, नील नदी, एक ये हो गया। डन, खत्म कहां पे होती है, मेडिटेरेनियन सी में, कहां पर, मेडिटेरेनियन सी। अगर किसी ने इसका आंसर दे दिया ना भाई, अब मैं ऑफलाइन क्लास होती तो अभी 100 रुपए निकाल के देता, मां का सर इस क्वेश्चन का आंसर किसी ने दे दिया, क्वेश्चन पूछूंगा ऐसा आंसर किसी ने दे दिया, 100 रुपए देता, अगर ऑफलाइन क्लास होती तो 100 रुपए देता, लेकिन कोई बात नहीं, अगर इसका आंसर कोई बच्चा देगा तो मैं 100 रुपए की मिठाई खाऊंगा आज, ठीक है, अब भी मिठाई मंगाऊंगा और अब भी इधर ही खाऊंगा। क्वेश्चन ये बताओ, अगर नील नदी, नाइल रिवर विक्टोरिया लेक से निकलती है और मेडिटेरेनियन सी में डूब जाती है, खत्म हो जाती है, तो ये किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में बह रही है, ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन, पहला ऑप्शन का है जी, पहला ऑप्शन है नॉर्थ टू साउथ, दूसरा ऑप्शन है ईस्ट टू वेस्ट, तीसरा ऑप्शन है वेस्ट से ईस्ट, चौथा ऑप्शन है साउथ से नॉर्थ। बताओ, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, तो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। ओ दिव्या भारती हीरोइन, दो आंसर, बिल्कुल, नमन मंगल, क्या बात। विनय द्विवेदी सर, अभिनय शर्मा सर आपकी तारीफ कर रहे थे, थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू सो मच, अच्छा लगता है जब बड़े टीचर्स, बड़े यूट्यूबर्स आपके बारे में, आपकी मेहनत को, वो तारीफ नहीं, उसको बोलते हैं आपकी मेहनत की कदर करना, जब कोई मेहनत कर रहे हो और बड़े टीचर्स होते हैं, जो बड़े यूट्यूबर्स होते हैं, आप बोलते कि नहीं ये अच्छा कर रहा है, तो उसे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तभी मैं जैसा बोलता हूँ ना कि जैसे आप लोग वीडियो लाइक करते हो, वीडियो को शेयर करते हो, तो मैंने बोलता हूँ ना कि यार मोटिवेशन मिलता है लाइक से, मोटिवेशन कुछ पैसा नहीं मिलता है भाई, ये बोर्ड के ऊपर हाथ रखकर समझा रहा हूँ, लाइक का पैसा नहीं मिलता यूट्यूब में, जहां तक मुझे नॉलेज है नहीं मिलता है, और नहीं मिलता, ठीक है, शेयर करने का ही पैसा नहीं मिलता, कमेंट का भी पैसा नहीं मिलता, ठीक, डन, क्लियर है लिटरली। लेकिन आप लाइक करते हो, शेयर करते हो, उससे मोटिवेशन मिला करता है कि यार बच्चे पसंद कर रहे हैं, ये मिलता है। आंसर दो, साउथ टू नॉर्थ इज राइट आंसर, बिल्कुल साउथ से नॉर्थ सही आंसर, क्यों भाई साहब, आपको मालूम है ये अफ्रीका महाद्वीप है और यहां पर है मेडिटेरेनियन सी, अगर अफ्रीका महाद्वीप में मानो कहीं भी अगर विक्टोरिया झील है, मानो कहीं भी, और विक्टोरिया झील से निकलती है, तो ये साउथ से नॉर्थ ही जा रही होगी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, बच्चों वाला क्वेश्चन था, अगर इसका आंसर कोई नहीं दे पाया है तो पाप लगेगा उसको। और इसका एरिया कितना लंबी है, सबसे लंबी कौन सी हो जाएगी, नाइल सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी का नाम बताओ और 5 रुपया पाओ, विश्व की सबसे दूसरी बड़ी नदी का नाम बताइए जल्दी फटाफट, सर स्वीट मंगाओ भाई, ओ स्वीट लाओ मिठाई, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी का नाम बताओ, तो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है जी, दुनिया की सबसे दूसरी सबसे बड़ी नदी का नाम है अमेजन नदी, अमेजन रिवर,
ये कहां से निकलती जी? ये पेरू का नाम सुना है? पेरू, पेरू में ग्लेशियर से निकलती है और अटलांटिक ओशियन में खत्म होती है। अटलांटिक ओशियन मतलब आपका अटलांटिक, अटलांटिक महासागर में जाकर के खत्म हो जाती है। डन है, क्लियर है, ठीक है, चलो नेक्स्ट। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए और पांच रुपया पाइए। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी का नाम बताओ। एक गाना है ना, डार्लिंग आंखों से आंखें प्यार कर ले, तो ऐसा कुछ गाना है यार, सुने बताओ। बिल्कुल सर, हम भी खाएंगे। हाँ बिल्कुल खाएंगे, बिल्कुल। चलिए, ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है जी? मर्रे डार्लिंग। डन, मर्रे डार्लिंग जो है ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी रिवर है। डन, क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। डेनमार्क जनसंधि कहां स्थित है? इंग्लैंड, फ्रांस में, कनाडा में, जापान में और ऑस्ट्रेलिया में। देखिए, जो डेनमार्क जनसंधि है, जो डेनमार्क आपका वाटर स्टेट है, ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में है, एक याद कर लेना। और नॉर्थ उत्तरी अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन और आर्कटिक ओशियन दोनों को जोड़ती है। डन, ये जो डेनमार्क जनसंधि है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में है और ये उत्तरी अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर को जोड़ती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डेनमार्क जनसंधि निम्न से किसको जोड़ती है? ऑलरेडी मैंने बता दिया इसका आंसर, ऑलरेडी मैंने बता दिया था, ठीक है, अभी बताया मैंने, नॉर्थ अटलांटिक महासागर और आर्कटिक ओशियन को जोड़ती है। डन, चलिए, ये मिठाई भाई साहब, थोड़ी सी ये मिठाई एक्चुअली पता किसने दी आज मेरे को, बता देता हूँ, ये मिठाई दी है प्रवीण सर ने। क्यों दी है? प्रवीण सर को बेटी हुई है, पता ना, तो प्रवीण सर की जो बेटी हुई है उसके उपलक्ष्य में उन्हें मिठाई दिया है। थोड़ी सी खा लेता हूँ, ऑलरेडी मैं बहुत खा चुका हूँ ना। कितनी खाई मैंने? पूरा डिब्बा तो नहीं खाया, हाँ हो गया होगा, छः सात आठ, नहीं देख पा गया, दो दो। चलो, तो डेनमार्क जनसंधि किसके बीच में है? उत्तरी अटलांटिक महासागर और आर्कटिक ओशियन के बीच में। डन, चलो एक काम करते हैं, जो हम दो मॉक टेस्ट करने वाले थे, ऑलरेडी समय हो गया है ना, बिल्कुल क्लास होगी भाई, डेली होगी। आप मैंने बताया थोड़ा सा साइकोलॉजिकली फिट नहीं था मैं, अजीब लग रहा था, आप थोड़ा अच्छा लग रहा है, बात करके आप लोगों से अच्छा लग रहा है ना, लिटरली आपने देखा होगा शुरू में बिल्कुल मैसेज नहीं पढ़ रहा था आप लोगों का, मैं थोड़ा सा अजीब था, बाद में धीरे धीरे अच्छे अच्छे मैसेज आए, हंसने हंसने लोगों थोड़ा आया आप लोगों का, तो होता है सबके साथ होता है। देखो होता क्या है इंसान के साथ जिंदगी में, क्या होता है कभी हमेशा इंसान हमेशा अच्छे मूड में नहीं रहता, हर इंसान का अप और डाउन फेज आता है। मेरे साथ ये कई महीनों में कभी कभी होते रहता है बीच में, कि एकदम से कुछ करने का मन नहीं करता कुछ भी। आज ऐसे हुआ था, कुछ अजीब सा लग रहा था, पूरा दिन अजीब था, अजीब सा। तो आपके मैसेज पढ़ा मैंने, लिटरली अब अच्छा लग रहा थोड़ा सा, आप लोगों ने हंसने का लोगो भेजा और आप लोग जो मैसेज ऐसे करते हैं तो बड़ा मोटिवेशन मिलता है, लिटरली बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को लगता होगा क्या है, आया पढ़ाया चला गया मोटा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी वैल्यू होती है। आप लोग जो हंसते हो, लाइक करते हो, कमेंट्स अच्छे करते हो, बहुत पॉजिटिविटी है। अब होता क्या है कि मैं आपके कमेंट्स स्क्रीन में क्यों नहीं लगाता, मैं क्या मतलब लगाने का भाई, आपने कमेंट किया मुझ तक पहुंच गया, मैंने पढ़ लिया, मैं खुश हो गया, मैं स्क्रीन में लगाऊंगा बेवजह टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि हमारा टारगेट होता है पढ़ाई करना है जैसे भी करके। अभी 40 मिनट की क्लास हुई है, 40 मिनट्स में मैंने आपको 40 क्वेश्चंस कराया है, हाँ बोलो, नहीं 40 नहीं 44 क्वेश्चंस कराया मैंने। कितने क्वेश्चन कराया माय डियर? 44 क्वेश्चंस कराया है। कोई बच्चा ईमानदारी से बोलेगा तो ये बोलेगा हाँ सर आपने 44 क्वेश्चंस कराया है और हर एक क्वेश्चन में लगभग से लगभग दो तीन लाइंस आपने एक्स्ट्रा बताई है। वर्स्ट कंडीशन में कोई भी बच्चा बोलेगा कि सर आपने 40 मिनट में 100 लाइन जीके पढ़ा दिया है, हा ना, 100 लाइंस जीके मैंने करा दिया 100 लाइन में 40 मिनट में, ठीक है। चलिए, अपन ध्यान रखिएगा, 10:15 बजे आ जाना सारे लोग, जो बच्चे हैं जो हमारे पेड क्लास में। देखो पेड क्लास आप लोगों को बुरा लगता है, कई बच्चे ऐसे होते हैं सो पेड क्लास आप चलाते हो है ना, कहीं गाली देते हैं यार। देखो सिंपल कहानी, यूट्यूब से इतना पैसा नहीं आता बाबू कि एक इंसान सर्वाइव कर जाएगा, हमारा भी पेट है, हमको भी पैसा चाहिए होता है जिंदगी जीने के लिए, हमको भी कंप्यूटर का, नेट का, टीचर को देना होता है, टीम को देना होता है, किराया देना होता है, हमको भी। तो एक पेड कोर्स एक छोटा सा माध्यम होता है जिसमें कुछ वीडियोज आपको मिल जाते हैं, कुछ कंटेंट मिल जाता है और आपको आप उसका थोड़ा पैसा देते हैं, तो हमारा भी चलता है, तो इस पर दोनों का चलते रहता है। क्योंकि यूट्यूब में इतना नहीं आता कि इंसान कुछ से देख लो, कोई यूट्यूबर होगा ना के बराबर यूट्यूबर ही होंगे जो पेड क्लास नहीं पढ़ाते होंगे, उनके अलग सोर्सेस होंगे, उनका ऑफलाइन का सोर्सेस होगा तो जाके उनका चलते रहता है। तो ये है, ठीक है, अभी 10:15 में इवेंट है, आप आ जाना सारे लोग, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। अच्छा, इसकी पीडीएफ डाल रहा हूं मैं टेलीग्राम में, इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम में डाल रहा हूं अभी, ठीक है, अभी।